सही गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप के सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजी। सो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम एक नई टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं नियॉन साइन, राइट। वो आप फोटोशॉप के अंदर किसी भी वॉल के ऊपर या किसी भी सर्फेस के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर अपन जो है कवर अप करेंगे। और वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का फुल कोर्स करना है तो आप जा सकते हैं tjmacad.com पर, और वहां पर आप होम पर जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर जाकर के सर्च कीजिएगा ग्राफिक, एंड जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कोर्स आ जाएगा जो कि सेल्फ स्टडी रहेगा। सो आप यहाँ पर जाकर के इसको एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग जो है सिखाई गई है। तो आप अगर करना चाहें आपको यहाँ पर जाके कोर्स कर सकते हैं। चलिए बैक टू द मेन टॉपिक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास में यहाँ पर जो है एक ब्रिक की इमेज है जो कि काफी अमेजिंग लग रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप अपने को उसको डार्क करना पड़ेगा, बिकॉज नियॉन साइंस हमेशा रात में जलते हैं, तो उसको पहले तो करते हैं डार्क। कैसे करेंगे? हू सैचुरेशन के अंदर जाएंगे, सैचुरेशन इसकी फुल ब्लैक कर देंगे, बिल्कुल नल कर देंगे। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत रखना चाहो आप रख सकते हो, बट मैं पूरा नल कर रहा हूँ, ठीक है। या चलो थोड़ा सा रखते हैं, हाँ इतना काफी रहेगा, ठीक है। और इसको आपको इतना कम कर देना कि बस आप बिल्कुल मुश्किल से इसकी डिटेल्स जो है देख पाओ, ठीक है। उतना कम करके लाइटनेस को और आपका ये जो चीज़ डन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं या तो अराउंड इतना, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको एक नया बनानी है, दैट इज़ अ कर्व एडजस्टमेंट लेयर। और इसके अंदर आपको यहाँ से एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर डार्क पॉइंट्स हैं, तो उसको कम कर देना है और यहाँ से इसको हल्का सा ऊपर कर देना है, ठीक है, लाइक दिस। सो दैट आपके पास में कुछ इस टाइप का रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। सो बिफोर है, आफ्टर है, अभी तक अपन ने इतना कर चुके हैं, ठीक है। अपन मतलब सिर्फ अपन ने क्या किया, एक डार्क चीज की है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं नियॉन, ठीक है। मेरे पास ये सैक्रामेंटो फॉन्ट है, काफ़ी अमेजिंग फॉन्ट है, सो मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। नियॉन साइंस में बेसिकली इसी का यूज़ किया जाता है लगभग हर नियॉन साइन में, ठीक है। सो ये यहाँ पर सही लग रहा है। और इसके अंदर इसका जो कलर है वो अपन रख कर देने वाले हैं वाइट। हमेशा याद रखना, नियॉन साइन बनाते वक्त आपका जो मेन जो फॉन्ट है वो वाइट कलर का ही रहेगा, नो मैटर आप कौन सी कलर का ग्लो देना चाहो। रेड देना चाहो रेड दो, ब्लू देना चाहो ब्लू दो, ग्रीन देना चाहो ग्रीन दो, कोई भी कलर दो, लेकिन उसका फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, वाइट, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, फिर जाना एफएक्स में और आउटर ग्लो के अंदर, और इसको कर लेता हूँ मैं रीसेट टू डिफॉल्ट, तो आपको भी कर लेना है तो आपके पास में कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ओपेसिटी साइज, सी साइज आप जैसे इंक्रीज कर रहे हैं आपको जो है अच्छा लगने लग गया। और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, तो अब यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है कि आपको किस कलर का देना है। रेड देना चाहो रेड सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लू देना चाहो ब्लू सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रीन देना चाहो ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हो, बट इस बार मैं जो है ब्लू देना चाहूँगा, ठीक है। ब्लू में कुछ इस टाइप का, या थोड़ा सा और ज़रा लाइटिश ब्लू लेंगे अपन थोड़ा सा, या चलो एक काम करते हैं हल्का सा इस टाइप का ही ब्लू ले लेते हैं, ठीक है जी। ये करते हैं इसको ओके, और साइज आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हो, बिल्कुल कम रखना पहला साइज आपको बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल भी ज्यादा इसको करना नहीं है, ठीक है, मतलब अराउंड इतना इतना बहुत है, क्लिक ओके, एंड आपके पास में ये काफी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरह होने के बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने कर्व जिसमें लेयर बनाई है इसके अंदर आपको एक और लेयर बनानी है इसके ऊपर, और फिर आपको एक ब्रश टूल लेना है, और इसके अंदर हमारे पास में जो कलर आप डाल जो भी कलर आपने जो है नियॉन साइन के अंदर आउटर ग्लो में डाला है, सेम कलर लेकर के उसका साइज बड़ा कर लेना है ब्रश का, इतना कि ये काफी अच्छा एरिया कवर अप करे। देन आपको यहाँ पर जाके बस क्लिक करना है और आपके पास में कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। जैसा ही आपके पास में ऐसा आ जाता है, अगर बड़ा लग रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हो, लाइक मेरे को भी काफी ज्यादा ये बड़ा लग रहा है तो मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा और छोटा करूंगा, बिकॉज एक ऐसे नियॉन साइन की कोई लाइट ज्यादा कोई लाइट नहीं होती, तो अपन थोड़ा सा डालेंगे बस, ठीक है, नाउ इट्स फाइन, ठीक है। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है जो इसका ब्लेंड मोड है इसको कर देना है आपको सॉफ्ट लाइट। जैसे आप सॉफ्ट लाइट में जाओगे आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छा पहले से आने लग गया है, और बस आपको इसका इफेक्ट डबल करना है तो कर देंगे कंट्रोल जे। सो आपके पास में कुछ इस टाइप का एकदम ऐसे ग्लोई वाला कि वॉल जो है वो ग्लो हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द नियॉन साइन, है ना, ऐसा वाला लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नाउ
नियॉन साइन के ऊपर आपको अगर और चाहिए कि यार नियॉन साइन पे ग्लो कम है, ठीक है जी, कोई नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और आपने बनाना है, एक और लेयर सबसे ऊपर, और उसके अंदर वापस से आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा कम करते हैं, और इस बार इसका फ्लो कम कर देंगे अपन काफ़ी हद तक, अराउंड 30 के आसपास कर देंगे। देन सेम कलर लेकर के आपको हल्का सा इतना कर देना है कि जहां पर ज़्यादा है ना वहां पर, और इसका ब्लेंड मोड कर देना कौन सा, स्क्रीन, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन करेंगे आपके पास में ऐसा जो है देखने को मिल जाएगा, बाकी डिपेंड करता है आपकी ओपेसिटी पे, आप कितना ज़्यादा इसको रखना चाह रहे हो। सो अराउंड दिस मच इज ओके। सो ये बिफोर था और ये आफ्टर है, काफ़ी एक अच्छा ग्लो देखने को मिल गया, राइट। सो ये तरीका है, आप किसी भी वॉल के ऊपर जो है किसी भी टाइप का नियॉन साइन जो आप बना सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से अपन एक नियॉन साइन बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।